कि आप किसी खास फील्ड में काम करना चाहते हैं, कि आप एक कामयाब वीलॉगर बनना चाहते हैं, कि आप वीलॉगिंग ब्लॉगिंग आपकी पसंदीदा फील्ड है, आपका पैशन है, कि आप काम करने से पहले किसी घबराहट का शिकार हैं कि वीलॉग बनाते हुए तैयारी कैसे की जाएगी, कंटेंट कहाँ से आएगा, वीलॉग्स किस बारे में होंगे, इन्हीं सारी बातों के जवाब आज दूंगी मैं आपको। वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, इसलिए कि ना आज हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और ना आज बुक रिव्यू है, बल्कि आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मेरे ओपिनियन टिप्स ट्रिक्स पे मबनी है, जो एक व्लॉगर की हैसियत से मैंने अब तक सीखा और किस तरह ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिकली ग्रो करने का मतलब ये है कि आप किसी भी किस्म के मॉनेटरी हेल्प के बग़ैर अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सब्सक्राइबर हासिल करते हैं, अपना कंटेंट अच्छा करते हैं, अपना वॉच टाइम बढ़ाते हैं। और इस बात से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जब हम यूट्यूबिंग शुरू करते हैं, जब हम व्लॉगिंग या ब्लॉगिंग कुछ भी ऐसा शुरू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग हमारा लिखा पढ़ें, हमारा किया हुआ देखें, हमें सुने, हम फेमस होना चाहते हैं। और अगर इसमें हमें किसी किस्म का कोई माली फ़ायदा भी हासिल है, हमें अगर मॉनिटरी कुछ मिल जाता है, तो इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। इस बात को तस्लीम करना बेहद ज़रूरी है कि हम व्लॉगिंग की फील्ड में आना चाहते हैं क्योंकि हम फेमस होना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो आज हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि मदद कर सकें एक दूसरे की। आपको भी कुछ मालूम हो, कोई आइडियाज़, कोई टिप्स, कोई ट्रिक्स आप शेयर करना चाहें इस बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो बगैर किसी फर्दर डिटेल के चलते हैं टिप नंबर वन की तरफ। सबसे पहले तो खुद से ये सवाल कीजिए कि आप व्लॉगिंग क्यों शुरू कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उसकी क्या वजह है? क्या उसकी वजह यह है कि कोई इंसान जिसको आपने दिखा, जिससे आप मिले, वो बहुत फेमस हो चुका है और दुनिया उसको जानती है या बहुत प्रिविलेज हासिल है उसको? क्या आप व्लॉगिंग या ब्लॉगिंग या यूट्यूब या कोई भी नया काम जो आप शुरू कर रहे हैं वो इसलिए शुरू करना चाहते हैं? क्या आप यूट्यूब पे इसलिए आना चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त यहाँ आते ही बहुत मशहूर हो गया है? अगर ये रीज़न है तो आप खुद को टाइम दीजिए, कहीं ये ना हो कि ये एक चलता हुआ ख्याल हो और आप इसको शुरू करके थोड़े ही अरसे बाद ख़त्म कर दें। जानिए कि क्या व्लॉगिंग ब्लॉगिंग या यूट्यूबिंग या कोई भी नया काम जो आप शुरू कर रहे हैं, क्या वो आपका पैशन है? क्योंकि स्पेशली फॉर यूट्यूब, यूट्यूब एक लॉन्ग जर्नी है जिसके लिए आपको पैशनेट होने की बेहद ज़रूरत है। इसमें सब्सक्राइबर आना, व्यूज़ मिलना कोई आसान बात नहीं है। सो हमें पूरी पूरी कोशिश करनी है कि हम तब कदम रखें जब हम मेंटली तौर पर इस सब के लिए तैयार हों। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये जानना ज़रूरी है दैट इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट ब्लॉगिंग और यूट्यूबिंग और एनीथिंग लाइक दैट, तो आपको इस फील्ड में कदम रखना चाहिए और फौरी रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये जल्दबाजी में या वक्ती तौर पे ध्यान आया है, तो थोड़ा ठहरिए, खुद को थोड़ा वक्त दीजिए और फिर आगे बढ़िए। उसके बाद जब आपने फैसला कर लिया है कि नहीं, यूट्यूबिंग मेरा पैशन है, मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, या जो भी आप नया करना चाहें, ये तमाम तर टिप्स जो मैं आपको दूंगी, ये स्पेशली व्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए या यूट्यूबिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें तो उसमें जाते हुए ये सब बातें, इन सब बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा जी, जब आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे व्लॉगिंग ही करनी है, यूट्यूब पर ही आना है, तो फिर आप सोचेंगे कि आपको यूट्यूब पर आकर आखिर करना क्या है। जी हाँ, पहले आप प्लान करेंगे कि आया कि मुझे एंटरटेनमेंट में जाना है, आया मुझे कॉमेडी करनी है, आया मुझे टेक में जाना है, मुझे करना क्या है, मुझे बुक रिव्यूज़ करने हैं, मुझे किसी भी किस्म की ब्यूटी या फैशन ब्लॉगिंग में जाना है। फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है।
जी, जब आप फैसला करेंगे तो फैसला करने से ही हमारी अगली टिप शुरू होती है। जब आप फैसला कर लें कि या मुझे ब्यूटी ब्लॉगर बनना है, लाइफस्टाइल ब्लॉगर बनना है, टेक ब्लॉगर बनना है, जब आप इसका फैसला कर लें तो फिर आप इसी यूट्यूब से मदद हासिल करें और देखें कि यूट्यूब के ख़जाने से आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकती हैं। वो फील्ड जो आपने चूज़ की है उसकी यकीनी तौर पर यूट्यूब में पहले से लोगों की, फेमस लोगों की वीडियोस पड़ी होंगी। उन वीडियोस को देखें, सीखें कि आपको किस किस्म का कंटेंट बनाना है और किस किस्म का कंटेंट नहीं बनाना। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने लोगों को बहुत पढ़ा, आज तक पढ़ती हूँ, और मैंने उससे सीखा कि मुझे कैसा लिखना है और मुझे कैसा नहीं लिखना। तो आप भी फैसला करें कि आपके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होनी। तो अगली टिप है वो हमारी पिछली टिप से कुछ मेल खाती है, और वो ये है कि जब आप लोगों को देखेंगे यूट्यूब पे तो आप यकीनी तौर पे लोगों से इंस्पायर होंगे, आप किसी को इतना पसंद करने लग जाएंगे कि आप रातों रात उसकी पूरी वीडियोस देख डालेंगे। लेकिन लेकिन इस वक्त आपको ये ध्यान करना है कि जब आप किसी से इंस्पायर हों तो उससे इंस्पायर ही हों, उसको फॉलो मत करना शुरू कीजिए। अपना एक स्टाइल, अपना एक एटीट्यूड ज़रूर आपकी व्लॉगिंग में, आपकी वीडियोस में, आपकी राइटिंग में, आप शो भी करना चाहते हैं उसमें नज़र आना चाहिए। आमना एहसन बहुत सारे लोगों को पसंद करती है, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर है, लेकिन आमना एहसन का अंदाज़ सिर्फ आमना एहसन का है। आपको कभी देख के नहीं लगेगा कि हाँ हाँ जहन में वो बंदा आ गया है। यही बात एक्टर्स के लिए होती है, यही बात लिखने वाले के लिए होती है कि हम इंस्पायर होते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं, लेकिन हम उनके अंदाज़ को कॉपी नहीं करते, बल्कि हम उनसे ये सीखते हैं कि हमने अपना एक अंदाज़ बनाना है। तो जान लीजिए कि हमने इंस्पिरेशन हासिल करनी है, फॉलो नहीं करना है, और ये सबसे बड़ी टिप है। अपना एक सिग्नेचर एटीट्यूड, एक सिग्नेचर स्टाइल बनाइए और उस पर काम कीजिए और ग्रो कीजिए। जी, मैंने पहले भी कहा था कि YouTube पे एक ख़ास अहमियत है पैशन की। पैशन होना चाहिए और साथ साथ आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्कूलिंग, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दें, या अगर जॉब करते हैं तो जॉब छोड़ दें, या घर के काम नहीं करें, या कुछ भी आप करते हैं वो मत करें, बल्कि आपको एक सेपरेट थोड़ा सा टाइम अपनी ज़ात के लिए, अपने शौक़ के लिए, अपने पैशन के लिए निकालना है और बहुत मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ वीडियो डालनी है, अपलोड करनी है, इसलिए आपको ऐसा करना है, बल्कि आपको YouTube को फॉलो करना है, रोज़ सीखते चले जाना है। जब हम बात करते हैं मेहनत की, पैशनेट होने की, तो उसी के साथ मिल जाती है हमारी अगली टिप। वो अगली टिप ये है कि आपने गिव अप नहीं करना, अपनी उम्मीदों को नहीं खोना। पहले ही दिन आपको हज़ारों ना फॉलोअर्स मिल सकते हैं, ना सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं, ना व्यूज़ मिल सकते हैं, बल्कि इट टेक्स टाइम। कभी एक माह, कभी दो माह, कभी दो साल। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है, और अगर मैं मेहनत करता रहा और पैशनेट रहा तो एक दिन जो मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो मैं पा लूँगा। क्या ख्याल है? एक और बात जो बेहद इम्पॉर्टेंट है वीलॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, गेन किसी भी काम के लिए, कि आप जो काम शुरू कर रहे हैं उस हवाले से और ओवरऑल भी अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश कीजिए। गेन नॉलेज, गेन नॉलेज, गेन नॉलेज एंड रिपीट। जो भी फील्ड आपने चूज़ की है, स्पेशली फॉर यूट्यूबिंग, आप उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेते रहें। देखें कि नया क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या नया कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कैसे अपने व्लॉग्स को मैं बेहतर बना सकता हूँ, वीडियो कैसे बेहतर होगी, कंटेंट कैसे बेहतर होगा, किस तरह से मैं ग्रो कर सकता हूँ, उसके लिए खुद काम करना है आपको, और द की इज़ गेन नॉलेज। अब आ जाते हैं एक और बहुत अहम पॉइंट के ऊपर, वो ये है कि अगर हमें कोई, जब हम व्लॉगिंग शुरू करते हैं, कोई हमें आइडिया देता है या कोई हमें क्रिटिसाइज करता है कि आपने फलां वीडियो में ये कर दिया, या आपकी आंखें फलां वीडियो में कैमरे की तरफ नहीं थी, या आपने कोई तलफ़ कोई लफ्ज़ बोलते हुए आप गलत बोल गए हैं, गलत कह गए हैं, गलती कर गए हैं,
तो हम बहुत शर्मिंदा से हो जाते हैं और हमारे ख्वाब टूट जाते हैं और सब कुछ बिखर जाता है और हम एक पीछे सैड सा म्यूजिक चलने लग जाता है। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। गिव योर सेल्फ अ परमिशन टू यू नो डू मिस्टेक्स। गलतियाँ करनी हैं, आप गलती करेंगे तो आप सीखेंगे। जब आप एक काम करेंगे ही नहीं, उसको रोक देंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम सीखेंगे कैसे। तो इसलिए गलती हो जाए, कोई कहे कि आपने गलती की हुई थी, इसको कहें हाँ जी की हुई थी, अब आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। अगर आप उनको सफाई देना नहीं ज़रूरी समझते तो कुछ भी ना कहें, एक्सेप्ट करें हाँ हो गई होगी गलती, और फिर काम करें उस गलती के ऊपर। एक शूट को 10 दफ़ा करें जब तक कि वो बेहतर नहीं हो जाता। बाकी सारी बातें तो थी तैयारी की और कैसे एंटर होना है और क्या क्या चीज़ें इस फील्ड में एंटर होने के लिए ज़रूरी हैं और स्टे करने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे जो अहम चीज़ है जिसके गिर्द बाकी सब कुछ घूमता है वो है कंटेंट। अच्छा, होता ये है कि हम सोचते हैं कि अच्छा हम आज हम सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उसी वक्त यूट्यूब चैनल बनाते हैं, एक अच्छा सा नाम रखते हैं, पहली वीडियो डालते हैं, अगली वीडियो के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, ना कोई सोच, ना कोई समझ, ना कोई आइडिया, कुछ भी नहीं। एक दिन हम कुकिंग कर रहे हैं, एक दिन हम बाहर सैर सपाटा कर रहे हैं, एक दिन हम बुक रिव्यू कर रहे हैं, एक दिन हम फिल्म रिव्यू कर रहे हैं, और पांचवें दिन हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसलिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने कॉन्टेंट पर काम करें। कॉन्टेंट अच्छा होगा, कॉन्टेंट डिसाइड होगा, तो हम बोल सकेंगे, हम दूसरे बंदे को अपनी बात कह सकेंगे, समझा सकेंगे। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट पे काम करें, कंटेंट को पहले तैयार करें, उसको एक आध दफ़ा स्क्रिप्ट को पढ़ें, बाकायदा स्क्रिप्ट लिखें, उसको पढ़ें, उसको मेमोराइज करें, हो सके तो शीशे के आगे बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वैसे परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी इम्परफेक्शंस के साथ ही बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इम्परफेक्शन को कायम रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस के साथ साथ अपने कंटेंट को बेहतर करते जाए। जी, अब हमारा यूट्यूब चैनल बन गया है, अब हमने वीडियो बना ली है, वीडियो अपलोड कर दी है, और अब हम बैठ गए, हमें लगता है हमने अपना काम कर दिया और हमारा काम इस कदर शानदार है कि हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम अभी करना है और वो है अपने आप को एडवर्टाइज़ करना है। आप जितने भी बड़े हीरो हों, एडवर्टाइजमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। किसी को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तब ही आपका काम जाना जाएगा और माना जाएगा और आगे जाकर तारीफ भी पाएगा। लेकिन जब किसी को पता ही नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं, आपने एक वीडियो जहां सैकड़ों लाखों करोड़ों वीडियोस हैं वहां एक वीडियो डाल दी है और आप एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया से कि वो उस वीडियो तक पहुँच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको लोगों तक पहुंचना है और अपने वीलॉग को लोगों तक पहुंचाना है, और यही जो रूल है वो आप जो भी कोई काम शुरू करें उस पे लागू होता है। आप कुछ लिखें, आप कुछ नया बनाएं, आप कोई क्राफ्ट वर्क करें, कोई टेक वर्क करें, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है दुनिया को। तो अपने सब कोशिश कीजिए कि 3-4 तो ज़रूर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाइए। मेरा आइडिया है आपको कि फेसबुक और इंस्टा अकाउंट्स आपके ज़रूर होने चाहिए। मेरे भी ये दो हैं, ट्विटर नहीं है मेरा, मैं ट्विटर मैनेज नहीं कर सकती, मैं इन्हीं को मैनेज कर सकती हूँ। तो इन दोनों पे मेरी कोशिश होती है कि मैं इंगेज रहूँ लोगों के साथ। तो अपने सोशल अकाउंट्स बनाएं, उन पे एक्टिव रहें और वहाँ की ऑडियंस को कनेक्ट करें अपने यूट्यूब के साथ, और इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत जल्द फल पा लेंगे अपनी सोच से भी ज़्यादा जल्द। अच्छा जी, हम लोग जो हैं वो नेचर वाइज अल्लाह पाक ने हमें ये रखा है कि हम जब कामयाब होने लगते हैं तो हम एक अजीब सा गरूर और हार्शनेस और दूसरे को नीचा समझने, नीचा दिखाने की कोशिश शुरू हो जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि जो वीलॉगर्स थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अभी बहुत आगे का सफ़र बाकी होता है, इसके बावजूद थोड़ा उन्होंने सफ़र तय किया होता है और वो बाकी के वीलॉगर्स को या बाकी के इंसानों को कीड़े मकोड़े समझने लग जाते हैं। तो उसमें ये होता ये है, जो बताने का मकसद है वो ये है कि उसमें आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपके फ़ैन होते हैं, आपके इर्द गिर्द आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, आपसे कुछ सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, वो आपसे पीछे हट जाते हैं
और आपकी ग्रोथ जो है वो सोशली ख़त्म हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ट्राई टू बी हम्बल। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, कोई ज़्यादती नहीं होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। आता है गुस्सा, लेकिन उस वक्त कोशिश कीजिए कि खामोश रहिए, पीछे हट जाइए। कुछ गलत हो, कुछ ज़्यादती हो, तो अगर आवाज़ उठानी है तो ऐसे अल्फाज में उठाइए कि आपका नुकसान ना हो। और ट्राई टू बी हम्बल। ऐसा ना बने कि कोई आपको निकल जाए, लेकिन ऐसा ना बने कि कोई आपको उगल दे। तो पूरी पूरी कोशिश कीजिए कि अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ऑरा को ऐसा बनाइए कि लोग अट्रैक्ट हो सकें, ना कि लोग आपसे हटते चले जाएं। लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि ना मैंने कैमरा के ऊपर बात की है, ना मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात की है, ना लाइटिंग के ऊपर बात की है, ना माइक के ऊपर बात की है, ऐसी कोई बात भी नहीं की है, कमरे के ऊपर बात नहीं की है, आउटसाइड करना चाहिए, घर के अंदर करना चाहिए, धूप में करना चाहिए, अंधेरे में करना चाहिए, शूट कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर कोई बात नहीं की है। तो वो इसलिए नहीं की है क्योंकि आप जब व्लॉगिंग शुरू करते हैं तो आपको चंद एक बातों का पता होता है कि आपको ट्राईपॉड चाहिए, आपको लाइटनिंग चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप लाइटनिंग के लिए कोई स्टूडियो कायम कर लें, आप एक छोटी सी लाइट भी ले सकते हैं, अपने कमरे की सारी लाइटें चला सकते हैं, या जहाँ आप बैठ के व्लॉग बना रहे हैं वहाँ की लाइट चला सकते हैं, एक आम माइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी सी अच्छी ऐप्स जो हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन में मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक स्टूडियो हो तब ही आप व्लॉगिंग शुरू करें, बल्कि आप एक मोबाइल से, एक आम से स्पीकर से और एक आम सी लाइट से भी जो है LED लाइट से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत कीजिए, अल्लाह का नाम लें, और अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और पैशनेट होकर काम करेंगे तो आप यकीनन कामयाब होंगे। और इस सारी वीडियो को देख के अगर आपने कुछ सीखा है और अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।